subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्नो साहिल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले व्हाट्सएप के कुछ नए फीचर्स के बारे में, जो दो दिन से रोल आउट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं वीडियो देर से लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आपने जैसे कि थंबनेल देखकर ही पहचान लिया हो कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से ये अपडेट मिल रहा था कि व्हाट्सअप में फेस आईडी और टच आईडी आने वाला है दोस्तों इंडिया में, पर दोस्तों वो आ नहीं रहा था। और दोस्तों, दो दिन से ये रोल आउट होना शुरू हो गया है, हर यूजर्स के पास ये अपडेट मिलने लगा है। दोस्तों, मेरे पास भी ये अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टच आईडी के बारे में। दोस्तों, फेस आईडी तो अभी आया नहीं है, हम आपको टच आईडी के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सअप को अपडेट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप है। तो दोस्तों, इस व्हाट्सअप को मैं अपडेट करने के लिए जाता हूँ प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ गया दोस्तों, और यहाँ पर बताया जा रहा है व्हाट्स न्यू। तो दोस्तों, मैं वो आपको बता देता हूँ व्हाट्स न्यू क्या है। मैंने तो आपको बता ही दिया कि फिंगरप्रिंट न्यू आया है। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है यू कैन नाउ रिक्वायर ए फिंगर टू अनलॉक व्हाट्सअप टैप सेटिंग अकाउंट प्राइवेसी फिंगर प्रिंट लॉक एंड इनेबल अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि आप फिंगरप्रिंट से फ़ोन को अनलॉक कर देते हैं, कोई भी थर्ड पार्ट एप्लीकेशन द्वारा नहीं, डायरेक्ट व्हाट्सएप की तरफ से ये अपडेट आया है। दोस्तों, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो पर पूरा एंड तक जरूर बने रहिए, और अपडेट करने के बाद व्हाट्सएप को मैं आपसे फिर मिलता हूँ दोबारा। दोस्तों, देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप अपडेट हो चुका है, यहाँ पर ओपन करने के लिए बोल रहा है। चलिए मैं आपको सारा सेटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप कहीं पर स्किप ना करें, अगर आप स्किप करते हैं तो आपको सेटिंग समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा, इस वीडियो पर एंड तक जरूर रहिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, व्हाट्सअप को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अकाउंट प्राइवेसी सिक्योरिटी चेंज नंबर, तो इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेसी, तो प्राइवेसी पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक। दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सअप में मेरा फिंगरप्रिंट लॉक आ चुका है। दोस्तों, अभी ये डिसेबल है, और मैं इनेबल कर और अपना फिंगरप्रिंट सेट कर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, तो चलिए मैं सिंपली सा इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इनेबल बताया जा रहा है, तो इनेबल कर देते हैं इसे। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है अपना टच लगाने के लिए, यानी कि अपना फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों, मेरा फिंगरप्रिंट फ्रंट में है, तो मैं फ्रंट में कर देता हूँ। अगर आपके पास बैक में है तो आप बैक में कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं फिंगरप्रिंट सेट कर देता हूँ यहाँ पर टच कर। दोस्तों, मेरा फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है ऑटोमेटिक लॉक। तो दोस्तों, यहाँ बताया इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट आफ्टर 30 सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अगर व्हाट्सअप में आप एंटर करते हैं और साथ ही साथ बैक चले आते हैं और चाहते हैं फिर मैं दोबारा एंटर करूँ तो मुझे फिंगर आईडी लगाना चाहिए, फिर बैक का तो फिर दोबारा करूँ तो फिंगर आईडी लगाना चाहिए, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि हाँ मैं व्हाट्सअप को एक बार ओपन करूँ और बैक चलाऊँ और दोबारा ओपन करूँ तो फिंगर ना लगाना हो, मैं डिस्प्ले ऑफ करूँ उसके बाद ही फिंगर लगाना हो, तो दोस्तों आप सिंपली सा 1 मिनट पर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं दोस्तों इमीडिएटली कर दूंगा, क्योंकि मुझे इमीडिएटली अच्छा लगता है कि मैं बैग चलाऊँ फिर दोबारा हो तो फिंगरप्रिंट डालना हो। दोस्तों, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, तो चलिए मैं बैग चलाता हूँ और आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं बैग आ जाता हूँ। बैग आने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये मेरा व्हाट्सअप है, और इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है टच द फिंगरप्रिंट सेंसर व्हाट्सअप लॉक। दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सअप लॉक का सेटिंग आ चुका है। दोस्तों, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाट्सअप में फिंगरप्रिंट लॉक भी आ सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर टच कर और आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैंने टच किया और यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप अनलॉक हो गया। दोस्तों, एक बार और से मैं करके देखा तो बैक चलाता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों फिर से मेरा टच आईडी मांग रहा है। दोस्तों, तो यही मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, अगर आप इमीडिएटली करते हैं तो आपको बार बार टच कर अनलॉक करना होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से टच कर देता हूँ और ये अनलॉक हो गया मेरा व्हाट्सअप। तो दोस्तों, यही है व्हाट्सअप का न्यू फीचर, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को नीचे लाल बटन उस पर दबाकर और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली न्यू वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।